तो गाइस थंबनेल आपकी वीडियो के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो आप सबको पता ही है। जितने अच्छे खासे आप थंबनेल बनाओगे अपनी वीडियो के लिए उतने ही ज्यादा आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस होंगे। और ऐसे ही अगर आप टेक्निकल चैनल्स को फॉलो करते हो लाइक मनोज दे, टेक्निकल योगी और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इस टाइप के थंबनेल्स बना रहे हैं और उनके वीडियो के बहुत ही अच्छे खासे व्यूज आते हैं। तो अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है और आप भी अपने वीडियो के अच्छे खासे थंबनेल बनाना चाहते हो लाइक मनोज दे, तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से मनोज दे जैसे थंबनेल बना सकते हो। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर रखा है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आपको ऐसे थंबनेल बनाने के लिए अपने फोन पर एक एप्लीकेशन चाहिए जिसका नाम है पिक्सल लैब, और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। आप इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। तो इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बताता हूँ। तो गाइस आपको सबसे पहले पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको न्यू टेक्स्ट होता है तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पर आके डिलीट कर देंगे और यहाँ पे ऊपर सबसे टॉप राइट साइड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे थ्री डॉट है, यहाँ पर इमेज साइज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से कस्टम से हमें यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद ओके कर देना है, जिससे कि हमारा यूट्यूब थंबनेल का साइज हो जाएगा। अब हमें बैकग्राउंड चेंज करना है बैकग्राउंड का कलर, तो हमें यहाँ पे सिंपली लास्ट से सेकंड वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिया हुआ है। कलर आप यहाँ पर से सिंपल कलर भी चूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और नहीं तो आपको यहाँ पर ग्रेडियंट चूज करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप कुछ इस तरीके से ये भी बैकग्राउंड चूज कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी, आप दूसरे चूज करना चाहते हो तो और अपना बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। यहाँ पे मैं जो है बैगनी कलर का ये बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया। अगर आपको अपने कलर का बनाना है तो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, आपको यहाँ पर भी दो ऑप्शन शो होंगे, एक पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी चूज़ करोगे कलर वो यहाँ पर से सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर से इसका जो है थोड़ा बैगनी और ब्लैक टाइप में ले रहा हूँ, ओके कर ले रहा हूँ। और सेकंड वाले ऑप्शन में हमने यहाँ पर पे को बैगनी कलर ले रखा है। आप यहाँ पर से अगर इसका बैगनी डार्क बैगनी या फिर कम करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर से इतना होने के बाद हमें यहाँ पर से फोटो सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है और हमें यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये बैकग्राउंड फोटो को सेलेक्ट कर दिया है। तो इसको हम सबसे पहले रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और रोटेट करने के बाद इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। जिस साइड भी रखना है तो उस साइड हम रख देंगे, इस साइड ऐसे करके रख ले रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमें फिर से अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है, प्लस वाले ऑप्शन पर करके फ्रॉम गैलरी, और यहाँ पे से मैंने मनोज दे की फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है इस तरीके से। और अगर आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल मनोज दे की फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ, और आपको इसका बैकग्राउंड इरेज कर लेना है। बैकग्राउंड इरेज करने के लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई अपने चैनल पर, तो उसको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा उस वीडियो का। और तो उसके बाद हमें इसको अपने हिसाब से एक जगह पर रख देना है। तो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड पर हमने अभी फ़ोटो सेलेक्ट किया था उसको हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमें थर्ड वाले ऑप्शन पर आके कलर का ऑप्शन शो हो रहा है, तो हमें यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। और यहाँ पर से हमें इसको वाइट चूज़ कर लेना है, और कुछ और भी कर सकते हो कलर, आप आपकी मर्जी है। तो वाइट चूज़ करने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और प्लस वाले ऑप्शन पर जा करके अब हमें यहाँ पर को टेक्स्ट लिखना है। तो हम सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में हमें जो भी लिखना है तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर डबल टैप करता हूँ और यहाँ पर से, तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया है और ओके सेलेक्ट कर दिया है। ओके करने के बाद हम इसको फॉन्ट चेंज करेंगे, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे फॉन्ट पर क्लिक करना है, माय फॉन्ट्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पॉप इन एक्स्ट्रा बोल्ड इटैलिक ये वाला फॉन्ट चूज़ करना है। इस फॉन्ट को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने पहले पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है कैसे आपको इस पर इंस्टॉल करने हैं फॉन्ट्स, तो उसको वीडियो को देख लेना, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। और इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर भी लगा देना है, और इतना करने के बाद हमें इसका जो है कलर चेंज करना है। तो सिंपली हम पर पे को जाएंगे, इसके कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे, और इसको हम कुछ इस तरीके से यही वाला कलर दे देंगे जो अभी हमने बनाया है, ठीक है। हम यहाँ पे शेडो पर आते हैं और यहाँ पे शेडो इनेबल करते हैं, क्योंकि इससे हम जो है अपने हिसाब से जैसा भी रखना चाहें वो हम रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी ओपेसिटी 100 रख लेते हैं, ब्लर रेडियस हमें इसको कम कर देना है 1 या फिर 0 ही रहने देते हैं, और ऑफसेट पर हमें इसको 2-3 कर देना है, ठीक है, 3 कर देते हैं, और ऑफसेट वाई पर हमें 3 कर लेना है वापस से। तो हम इसको टिक कर लेते हैं। अब हम इसके बाद प्लस वाले ऑप्शन पर आएंगे, सेप से लेंगे, सेप से हमें इसको कुछ इस तरीके से ऐसे करके हमें यहाँ पे रखना है।
और इतना करने के बाद हमें ये सेलेक्ट हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो इतना सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पर को थ्री डॉट के नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस फोटो को हमें सेलेक्ट करके अपने बैकग्राउंड के पीछे साइड पे ले आना है, या फिर हम सबसे लास्ट पर ले आएंगे इसको, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमें जो ऐसा लिख रखा है हमने, तो इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर पे हमें जो है इस साइड से इस पर लगा देना है, या फिर हम इसको जूम कर सकते हैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और मैं जो है इसको रोटेट करके कुछ इस तरीके से रख लेना है जो कि ये इससे मैचिंग हो जाए। तो इतना सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पर रख देंगे, ऐसे पर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेंगे यूट्यूब, ओके करके हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यूट्यूब पर इसको जो है हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, यूट्यूब सेलेक्ट को जो हमने कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद हमें जो है इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ पर से फिर से कलर पर आएंगे, ग्रेडियंट पर आएंगे और रेड और ब्लैक में आपको रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन करना है, रेड और हल्का ब्लैक टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको सेकंड वाले में रेड करना है और फर्स्ट वाले में आपको यहाँ पर कलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है लाल दिया हुआ है, तो हम इसको जो है कुछ इस तरीके से थोड़ा डाउन सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर लेंगे, जिससे कि हमारा रेड ब्लैक टाइप का सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करने के बाद हमारा जो है ये हो गया है, इसका हमारा जो है बैकग्राउंड भी स्ट्रोक लग गया है, इसमें जो शेडो है वो भी लग गई है। तो हम फिर से यूट्यूब को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको फिर से कॉपी करेंगे और उसके बाद हमें इसको कॉपी करने के बाद जो है नीचे पर ले आना है ऐसा यूट्यूब चैनल, तो चैनल पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे हम इसको, ठीक है। और ओके करने के बाद जो है हमें सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हमें ऐसा को फिर से सेलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे बनाओ, और बनाओ को सेलेक्ट करके हमने यहाँ पर पे को इसको रख देना है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इसको रख दिया यहाँ पर पे को, और उसके बाद हमने यहाँ पे बैकग्राउंड वाले फ़ोटो को सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, और अभी हम फिलहाल के लिए इनको हम लॉक कर देते हैं, ठीक है, ताकि इनको डिस्टर्ब ना करे कोई। तो ये इन सबको मैंने यहाँ पर पे को लॉक कर दिया है फिलहाल के लिए, तो इसको भी हम लॉक कर देते हैं और इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सॉरी इसको यहाँ पर लॉक कर दिया और इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से अपने बैकग्राउंड के उसमें रख देना है जितने में हमारा वो है, तो ऐसे करके हमने इसको रख दिया, तो इतने पर आना है। उसके बाद हमारे यहाँ पर भी को जो हमारा बैकग्राउंड था इस वाले को सेलेक्ट करना है और हमें यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पर आना है और इसका हमें शेडो ऑन कर देना है, जिससे कि हमारा जो शेडो थोड़ा अच्छा लगेगा ब्लैक ब्लैक टाइप में, ठीक है। तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और इसको हम नीचे रख लेते हैं अपने, इससे देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है ये। फिर उसके बाद हमें फिर से एक और ये बनाओ वाले वर्ड को सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसको हमें फिर से कॉपी कर लेना है और उसके बाद हमें नीचे पे ला करके इसको एक और वर्ड लिखना है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं जल्दी ग्रो होगा, ठीक है। तो इतना सेलेक्ट करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे करके मैंने इसको लिख दिया और इसका हम यहाँ पे फिलहाल ब्लैक से हम इसको मतलब हम कलर में इसको हम वाइट कर सकते हैं, वाइट करके हम इसको ओके कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर से हम इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड पर जाएंगे, इनेबल करेंगे और यहाँ पर से हमें जो है इसको रेड पर क्लिक कर देना है और रेड पर क्लिक करने के बाद हमें इसका जो है ऑफसेट वाई और इस तरीके से रख देना है इसको। सबसे पहले तो हम इसका रेडियस बढ़ा लेते हैं, रेडियस कुछ इस तरीके से हमने कर दिया और बॉटम हमारा ठीक है, बॉटम थोड़ा सा डाउन हो रहा है, ऐसे करके हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इतना होने के बाद हमें इसको सेलेक्ट कर देंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे इसको रख लेना है अपने हिसाब से, जहाँ पर भी को हमें इसको रखना है, ठीक है, जहाँ पर भी हमें रखना है वो यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो इतना करने के बाद हमें फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर आना है और फ्रॉम गैलरी से एक और हमें फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है, तो ये वाली फ़ोटो है, इसका भी मैं सारी फ़ोटोज़ जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ इन सबका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, सबको डाउनलोड कर लेना। तो इस तरीके से रख लेना है और इसको हमें वापस से इसको सबसे नीचे रख लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसकी हमें ओपेसिटी पूरी डाउन कर देनी है कुछ इस तरीके से। और इतना करने के बाद हमें फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी से एक और फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है, ये वाली। इस फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद हमें इसको मनोज दे के पीछे पे लगा देना है, ठीक है, ऐसे, और इसका हम कलर चेंज कर देंगे यहाँ पर से, कलर पर आएंगे और इनेबल करेंगे और उसके बाद हमें इसका यही वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और हमें यहाँ पर को इसको अपनी बॉडी के पीछे लगाना है कुछ इस तरीके से,
हो गया। तो इसके बाद हमें फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करना है और उसके बाद हमें कुछ और भी लगाने, तो वो लगा सकते हैं। फ्रॉम गैलरी पर आएंगे और हमें जैसे कि हमें यूट्यूब का ये लगाना है, ठीक है, तो हम इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर बिल्कुल रख लिया और हमें इसको फिर से कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद हमें इसका जो है ऐसे करके रोटेट करना है और यहाँ पर भी हमें इसको रख देना है। जहाँ पर भी हमें रखना है वो हमारी मर्जी है, तो यहाँ पर भी हमें इसको रख दिया, ठीक है ना। हो जाने के बाद हमें इसको यहाँ पे अपने हिसाब से रख लेना है। तो इतना होने के बाद हमें यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पर आना है फ्रॉम गैलरी से, और फोटोज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने एरो को सेलेक्ट कर लिया है अभी फ़िलहाल के लिए। एरो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे करके इसको हमने ऐसे कर दिया और इसको रोटेट कर दिया, और रोटेट करने के बाद हमें इसको यहाँ पे लगा लेना है कुछ इस तरीके से, और इसका साइज़ हमें छोटा कर लेना है। ये देख सकते हो बन गया। और इतना करने के बाद हमें इसका कलर वाइट करना है मान लीजिए। तो यहाँ पर से हम फिर से कलर पर आएंगे और कलर को हम इनेबल कर देंगे, वाइट कर देंगे यहाँ पर से कुछ इस तरीके से। हमारा यहाँ पर को सेलेक्ट हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमारा थंबनेल बहुत ही तगड़ा लग रहा है, तो आपको पता चल गया होगा कैसे हमने थंबनेल बनाना है। तो प्लस वाले ऑप्शन से हम एक और फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये वाली फ़ोटो, ठीक है, तो ये वाली फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर दी। तो ऐसे करके हम इसको जो है डाउन साइड से फुल करके हम ऐसे रख सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि हमारा और भी फ़ोटो मस्त लगेगा, ठीक है। तो गाइस बन गया हमारा थंबनेल। अब इसको सेव करने के लिए हमें शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर से हमें जेपीजी पे सेलेक्ट करके जेपीटी रहने देना है, पीएनजी नहीं करना। और यहाँ पर से हमें कस्टम से आकर के हमें अल्ट्रा पर क्लिक कर देना है, जिससे कि हमारी हाई क्वालिटी फ़ोटो अपलोड होगी, ठीक है, हाई क्वालिटी फ़ोटो सेव होगी। तो सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है, तो हमारी फ़ोटो सेव हो जाएगी गैलरी में। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख देना, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं वीडियो के अपडेट्स देते रहता हूँ। और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर रखा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी अगली कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।